पिछले दिनों मुस्लिम युवकों द्वारा शारदा टेकरी स्थित हनुमान प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इन आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब हनुमान प्रतिमा का शुद्धिकरण किया गया है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करके ये मांग की थी कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। इस दौरान हिंदू संगठनों ने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं इस मामले में जब थाना प्रभारी अखिलेश दहिया से बात की गई, उन्होंने बताया कि हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही रैली के दौरान मस्जिद के समीप हनुमान चालीसा चल रही थी। ये सोमवार के दिन की घटना है, शाम टाइम। ये दो लोग जो है रहे वहीं गेट पर आसपास, तो अपन तो आसपास रामायण पढ़ रहे थे। गेट में मड़िया में अपनी कुटिया में बैठ करके रामायण पढ़ रहे थे। ये दोनों जो है, दो मुस्लिम जो है वहीं पर थे, मेरे पास ही बैठे थे। फिर इसके बाद जो है वो बाहर निकल के भाग गए, पर ये नहीं देख पाया कि उन्होंने जूता का परिहार कितना टाइम किया। फिर हमने जैसे, फिर एक और सर आए हमारे पास, नागेश सर, कृष्ण कुमार नागेश। तो उनके आने पर जो है वो आए, तो फिर हम रमण थोड़ा रेस्ट बंद करके, मतलब रेस्ट ले करके बाहर निकले, तो देखा कि दादाजी के पैरों में जो है जूते का निशान पड़ा। कलेक्टर साहब के आश्वासन पर कल अगर NSA नहीं लगता है तो परसों के दिन पूरा मार्केट बंद किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा एवं उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर के दौरान दो दिनों के लिए अभी समय मांगा गया है NSA लगाने के लिए, और अगर ये कोई नहीं हटेगा दो दिनों के अंदर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हिंदू संगठनों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण संपूर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। वहाँ का मामला अभी मैं सोशल मीडिया में जितना मेरे को जानकारी मिली है उसमें यह है कि दो युवक जो मुस्लिम, वो लोग क्या है, इनका कहना है बाबा जी रहते हैं वहाँ पे, हनुमान का मंदिर बना हुआ है, झोपड़ी में बना हुआ है। तो वहाँ बाबा जी जो थे तो 17 तारीख को शिकायत पत्र दिया था सैपुरा थाने में कि ये दो लड़के हनुमान जी की उस पर लात रख कर गए, जिसकी जाँच हो नहीं पाई थी, जाँच चल रही थी। इसके बाद बजरंग दल वालों ने आके पूरा रोड जाम करके और प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक इनके ऊपर FIR नहीं होगी और NSA नहीं लगाया जाता तब तक हम जाम नहीं खोलेंगे। वहाँ पे पहुँचे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोगों ने आश्वासन दे के उनको, तो दोनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। लेकिन एक मामला सामने कल और भी आ गया कि जहाँ मस्जिद है, मस्जिद के सामने ये पूरे इकट्ठे होकर, हिंदू संगठनवादी इकट्ठे होकर वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जो क्या है, निंदनीय है। ये क्या है, शोभा नहीं देता कि आप संगठन के बीच में हो, संविधान के दायरे में आप रहो। बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में सबको जीने का अधिकार है, सबको सम्मान, नागरिक अधिकार है, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुस्तान में हर नागरिक अपना सबका जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। तो ऐसा ये कृत्य जो किया गया है बहुत निंदनीय है। इसकी मैं सोमवार को एक CID जांच के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपूंगा कलेक्टर के माध्यम से। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।